सुना है चिराग जी आप दुबई में हैं, कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जमुई की महान जनता आपको खोज रही है, जमुई की जनता दिया लेकर आपका इंतजार कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया था और हाजीपुर से उनको चुनाव लड़ाकर विजयी बनाए थे। चुनाव हारने के डर से चिराग पासवान जमुई से भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर चिराग पासवान के चाचा वाली पार्टी पशुपति कुमार पारस की तरफ से चिराग पासवान को याद दिलाया गया कि याद है ना वो दिन जब जीते जी रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को माना था। चंदन सिंह RLJP के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। सुना है चिराग जी आप दुबई में है और लगातार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, डेजर्ट सवारी आप कर रहे हैं, लेकिन जमुई की महान जनता आपको खोज रही है। चिराग जी, आपने वादा किया था, आपने शपथ लिया था कि जमुई लोकसभा का आप विकास करेंगे, जमुई की जनता दिया लेकर आपका इंतजार कर रही है। अब सुना है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं चिराग जी आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके सामने हमारे स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया था और हाजीपुर से उनको चुनाव लड़ाकर विजयी बनाए थे। आज हाजीपुर में देखिए विकास की गंगा बह रही है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने मंत्रालय का एक कार्यालय हाजीपुर में भी खोला है और हाजीपुर के नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, गरीब, हरेक वर्ग के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगनशील हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हताशा में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया है कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जमुई आता है कि नहीं आता है। आपने कहा था कि बिहार फर्स्ट बनाऊंगा, तो क्या जमुई फर्स्ट आपने बना दिया है? अगर नहीं बनाया है तो जमुई की जनता से सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगिए। चिराग जी, हाजीपुर की जनता आपकी असलियत जानती है, आपकी सच्चाई जानती है। तो आपने सुना RLJP के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान दुबई घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और इधर बिहार जल रहा है और इधर बिहार में कोहराम मचा है। और इसी बीच अब यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान को याद होना चाहिए वो दिन जब रामविलास पासवान ने जीते जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस को माना था और हाजीपुर सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया था। चिराग पासवान को डर है कि वो अगर जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। जमुई की जनता उन्हें दिया बार कर खोज रही है, यहाँ तक कि चिराग पासवान जमुई का रास्ता तक भूल गए। लेकिन हाजीपुर और बिहार की जनता असलियत अब जान चुकी है,